सोनू सूद ने फादर्स डे से पहले बेटे को गिफ्ट की महंगी कार, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश। जी हां, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद किसी न किसी वजह से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। अब ये खबर आ रही है कि सोनू सूद ने फादर्स डे से पहले अपने बेटे ईशान सूद को खूबसूरत सी ब्लैक कलर की मर्सिडीज मेबैक GLS 600 कार गिफ्ट की है। इसकी कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार पिछले हफ्ते ही भारत में लॉन्च हुई है। YouTube पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक्टर कार की डिलीवरी लेते नजर आ रहे हैं और फिर नई कार में अपने बच्चों को लेकर ड्राइव पर निकल जाते हैं। बताते चले कि सोनू सूद को काफी महंगी गाड़ियों का शौक है। उनके पास पहले से ऑडी Q7, मर्सिडीज बेंज ML क्लास और पोर्श भी है। वर्क फ्रंट की बात करें तो सोनू सूद की 4 फिल्में कतार में है। वे पृथ्वीराज, उलुडू अदर्स, आचार्य और तमिला रासन में नजर आएंगे। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सोनू सूद ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान लोगों की किस तरह से मदद की है। साथ ही प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सोनू सूद ने अपना पूरा दम लगा दिया था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान भी सोनू सूद ने लगातार लोगों के लिए ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, वेंटिलेटर और दवाओं का इंतजाम किया और अभी भी वे लगातार लोगों की मदद कर रही है। लेकिन हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना की दवाओं की खरीद और आपूर्ति में अभिनेता सोनू सूद और कांग्रेस नेता जिशान सिद्दीकी की भूमिका की जाँच की जाए। हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान इन लोगों ने खुद को मसीहा दिखाया है।